दिस इज 92.7 बिग एफएम। नमस्कार, आदाब, वेलकम टू सुहाना सफर विद अनु कपूर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा रेडियो चैनल पर जिसका नाम है 92.7 बिग एफएम। हर रोज की तरह सबसे पहले एक मुख्तसर सी झलक आज के अफसानों की। आज शुरुआत होगी गुलजार से जुड़े एक किस्से की। गुलजार ने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, ना ही माँ की कोई तस्वीर उनके पास है। फिर किस रूप में याद करते हैं वो अपनी माता को, जानेंगे आज की पहली कहानी में। शम्मी कपूर ने निर्देशन भी किया, फिर जल्दी ही निर्देशन से क्यों तौबा कर ली, बताऊंगा आज की दूसरी स्टोरी में। तीसरे नंबर पर होगा हमारा रेगुलर सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। चौथे नंबर पर दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा गीता बाली को। पांचवें नंबर पर कहानी होगी एक ऐसी हीरोइन की जो 13 साल की उम्र में देवानंद से पहली बार मिली और 18 साल की उम्र में जब दूसरी बार मिली तो उनकी फिल्म की हीरोइन बन गई हो। कौन थी ये, जानेंगे आज की चौथी कहानी में। और अंत में एक श्रोता का प्रश्न, तो शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। संपूर्ण सिंह कालरा यानी गुलजार जब गोद में ही थे तब माताजी का निधन हो गया। उन्हें अपनी माँ का चेहरा याद नहीं है। उस वक्त तस्वीरें खिंचवाने का भी ज़्यादा चलन नहीं था, इसलिए माँ की कोई तस्वीर भी उनके पास नहीं है। जब गुलजार छोटे थे तो एक रिश्तेदार उन्हें गोद में लेकर बाजार जा रही थी, तभी सामने एक औरत दिखाई दी। उस औरत की तरफ इशारा करते हुए रिश्तेदार ने कहा, पुत्र देख ऐसी लगती थी तेरी माँ। बच्चे ने देखा, वो अनजान औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में गुलजार ने देखा कि उसके एक दांत में सोने की परत चढ़ी हुई है। बस यही चेहरा गुलजार के जहन में माँ के चेहरे के तौर पर नक्श हो गया। बाद में गुलजार ने अपनी बड़ी बहन से पूछा कि क्या सचमुच माँ का एक दांत सोने का था, तो बहन ने बताया नहीं, गुलजार को उस अनजान औरत का चेहरा अभी तक याद है। और जब कभी माँ की याद करते हैं तो उसी अनजान चेहरे को याद कर लेते हैं, और जब भी उन्हें माँ मुस्कुराती हुई दिखाई देती है तो वो मुस्कुराती है उसी सोने के दांत के साथ। सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी करने वाले शम्मी कपूर ने सिर्फ दो ही फिल्मों का निर्देशन किया था। दूसरी ही फिल्म के बाद क्यों कर ली तौबा शम्मी कपूर ने डायरेक्शन से, बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अनु कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। 1976 में एक फिल्म आई थी बंडलबाज, फिल्म को डायरेक्ट किया था शम्मी कपूर ने। ये निर्देशक के रूप में शम्मी कपूर की दूसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने 1974 में डायरेक्ट की थी मनोरंजन, लेकिन बंडलबाज निर्देशक के रूप में उनकी आखिरी फिल्म क्यों साबित हुई? हुआ ये कि शम्मी कपूर ने इस फिल्म में हीरो लिया राजेश खन्ना को, और राजेश खन्ना के बारे में मशहूर था कि वक्त के मामले में वो कुछ ज़्यादा ही लापरवाह थे। सो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी यही हुआ। शम्मी कपूर को राजेश खन्ना की वजह से घंटों इंतज़ार करना पड़ गया। शम्मी कपूर ने एक मैगजीन को दिए अपने एक इंटरव्यू में साफ साफ बताया कि डायरेक्शन की तरफ से मेरा मन खट्टा होने की वजह थे राजेश खन्ना। सुबह 9 बजे की शिफ्ट में वो शाम को 4 बजे तक आते। जब मुझ जैसे इंडस्ट्री के इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ वो इस तरह का रवैया अपना सकते थे तो बाकी लोगों का आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। राजेश खन्ना के इस व्यवहार के बाद शम्मी कपूर ने डायरेक्शन से तौबा। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जहां मैं 92.7 बिग एफएम के किसी एक लिसनर से फोन पर बात करूंगा और जानूंगा उनके दिल की बात। हमारा नंबर है
3992797। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अनु कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। मैं अनु कपूर स्वागत करता हूं आपका इस नए सेगमेंट में जिसका नाम है तुमने पुकारा और हम चले आए, जहां पे हमारे श्रोता फोन करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं और नज़दीकियां हमारी बढ़ती चली जाती हैं। हमारा नंबर है 02239927927। मैं अपने सभी श्रोताओं से अनुरोध करता हूं कि ये सेगमेंट जिसका नाम है तुमने पुकारा और हम चले आए, ये आपकी पुकार पर आपके समक्ष प्रस्तुत होने का जो अवसर हमें मिलता है उसका हम पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करें, अपने बारे में बताएं, अपनी पसंद बताएं, ताकि आपकी फरमाइश का हम गाना सुना सकें, आपसे बातचीत कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी प्रश्न का जवाब हो तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपना प्रश्न अलग से हमें SMS कीजिए। हमारा नंबर है 55454। तो चलिए, कॉल्स बहुत आ रहे हैं मेरे सामने, मैं पहला कॉल रिसीव करता हूँ। हेलो। हेलो, नमस्कार, मैं 92.7 बिग एफएम से अनु कपूर बोल रहा हूँ। अनु जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए अनु जी। जी जी, आपको बोलना है, आप शुभ नाम क्या है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। अरे वाह वाह, गुवाहाटी, क्या बात है। शुभ नाम क्या है दादा? मेरा नाम है प्रांजल कुमार जी। प्रांजल जी, दादा क्या आप पूछना चाहते हैं? मैं बहुत दिन से 92.7 बिग एफएम में शामिल हूँ, उसके परिवार में। जी जी जी, अच्छा लगता है प्रोग्राम। जी जी, बस मुझे ये जानना था कि आप मतलब इस म्यूजिकल प्रोग्राम में कैसे जुड़े और 92.7 बिग एफएम में कैसे आए आप? ये दो साल पहले 92.7 बिग एफएम ने मुझे कांटेक्ट किया, ये कॉन्सेप्ट मुझे बताया, अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, फिर मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे और मुझे लिबर्टी देंगे तो पूरी कोशिश करूंगा कि एक मनोरंजन का अच्छा प्रोग्राम जिसमें जनता हमसे जुड़ जाए वो बना सकूं, और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मैंने 92.7 बिग एफएम के लोगों का विश्वास जीत लिया, इसी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूं। धन्यवाद प्रांजल दादा। थैंक यू। दिल ने फिर याद किया, मैं आज याद करेंगे मशहूर अदाकारा गीता बाली को। इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूं, आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अनु कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आज दिल याद करेगा महान गीता बाली को। गीता बाली का जन्म 1930 में सरगोधा में हुआ था। उनका वास्तविक नाम क्या था, इस बारे में दो बातें सुनने को मिलती हैं। पहली ये कि उनका मूल नाम हर कीर्तन कौर था, और दूसरी ये कि ये नाम गुरु कीर्तन कौर था। इनके पिता सरदार करतार सिंह सिख समुदाय के धर्मशास्त्री और कीर्तनकार थे। गीता बाली के नाना सरदार तखत सिंह ने 1907 में लड़कियों के लिए एक बोर्डिंग स्कूल बनाया जहां अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी। ये उन दिनों एक बहुत बड़ा सामाजिक योगदान था। गीता और उनकी बहन हरदर्शन को माता पिता ने संगीत, नृत्य, घुड़सवारी और सिख मार्शल आर्ट गटका की तालीम दिलवाई। बच्चियों के स्टेज पर परफॉर्म करने से समाज के कुछ लोग खफा भी हो गए, मगर परिवार के सहयोग की वजह से ये सिलसिला चलता रहा। आजादी से पहले गीता का परिवार अमृतसर में रहता था, फिर परिवार बंबई आ गया, आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। ऐसे में गीता ने फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म थी 1942 की कॉबलर। हीरोइन के रूप में उनकी पहली फिल्म थी बदनामी, जो 1946 में आई। 1950 में बावरी नयन, 1951 में अलबेला और बाजी के साथ ही गीता बन गई स्टार गीता बाली। उनकी प्रमुख फिल्मों में आनंद मठ, बावरे नयन, अलबेला, बाजी, बाज, मिस्टर इंडिया इत्यादि थी। 1955 में वचन के लिए उनका नाम बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया। फिल्म कॉफी हाउस में उनके को स्टार थे शम्मी कपूर। फिल्म करते करते ही
दोनों को प्रेम हो गया और दोनों जिंदगी की राह पर भी एक साथ चल पड़े। 23 अगस्त 1955 को गीता बाली ने शम्मी कपूर से शादी कर ली। इन दोनों के एक पुत्र और एक पुत्री है, आदित्य और कंचन। 1965 में एक पंजाबी फिल्म रानो की शूटिंग के दौरान गीता बाली को स्मॉल पॉक्स हो गए और 21 जनवरी 1965 को समय से बहुत पहले उनका जाना हो गया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रोशनी बांटूं सबको, जिंदगी तूने बहुत जल्द बुझा दिया मुझको। एक 13 साल की खूबसूरत बच्ची अमेरिका में देवानंद से मिली और इस मुलाकात के 7 साल बाद वही बच्ची फिल्म की हीरोइन भी बन गई। कौन थी ये बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अनु कपूर के साथ। देवानंद फिल्म देश परदेश के प्रीमियर के लिए न्यूयॉर्क में थे। न्यूयॉर्क के क्वींस थिएटर में उनसे मिलने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। देवानंद ऑटोग्राफ्स दे रहे थे, फोटो खींचे जा रहे थे कि अचानक भीड़ को चीरती हुई 3 लड़कियां आईं और आके देवानंद का हाथ पकड़ लिया। देवानंद कुछ समझ पाते इससे पहले तीनों ने एक साथ देवानंद के गालों को चूम लिया, एक साथ बोली, हम खास तौर पर सिर्फ आपसे मिलने आए हैं। देवानंद बोले, वो तो आप मिल चुकी हैं। उन्होंने फिर एक साथ कहा, इस तरह नहीं, आपके होटल में या जहां भी आप ठहरे हुए हैं। उनमें से एक ने पूछा, कहां ठहरे हुए हैं आप? देवानंद ने संकोच से फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर गिरिराज की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए बोले, आप कल पियरे होटल में आ जाइए 2:00-3:00। अगले दिन तीनों होटल में आ गई। लॉबी में देवानंद इंतजार कर रहे थे। तीनों लड़कियां भारतीय मूल की थीं पर थीं अमेरिकी। उन तीनों में से सबसे छोटी लड़की ने कहा, मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूं। देवानंद ने पूछा, कितने साल की हो? लड़की ने जवाब दिया, 14 की होने वाली हूं, 13 की हूं। देवानंद ने कहा, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। लड़की ने कहा, फिर कब? देवानंद ने कहा, संपर्क में रहो, वादा तो नहीं करता लेकिन संपर्क में रहो। लड़की बोली, मैं आपसे कहां संपर्क कर सकती हूं? देवानंद बोले, मेरे बंबई के पते पर। लड़की ने ऑटोग्राफ बुक देते हुए कहा, इसमें आप अपना बंबई का पता लिख दीजिए। देवानंद ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, ऋचा शर्मा। देवानंद ने ऋचा शर्मा की ऑटोग्राफ बुक पे अपना पता और कॉन्टैक्ट लिख दिया। ऋचा ने खतो खिदाबत जारी रखी, अपनी ताजा तरीन फोटोग्राफ्स भेजती रही। कुछ साल बाद देवानंद गए दोबारा अमेरिका, तब ऋचा उनसे मिलने आई और बोली, आज मैं 18 साल की हो गई हूं। इस मुलाकात के कुछ ही अरसे बाद देवानंद ने एक फिल्म शुरू की, टाइटल था हम नौजवान, और इसी बच्ची ऋचा शर्मा को ब्रेक दिया हीरोइन के रूप में। ऋचा शर्मा ने बाद में संजय दत्त से शादी की और अपने छोटे से करियर में हम नौजवान, अनुभव, इंसाफ की आवाज, आग ही आग और सड़क छाप जैसी चंद फिल्मों में अभिनय किया। कैंसर से लंबी जंग हार जाने के बाद 1996 में ऋचा शर्मा की अमेरिका में ही मृत्यु हो गई। आज ऋचा शर्मा को इस सेगमेंट के माध्यम से हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद होगा राजकोट के डेनिश पटेल के सवाल का जवाब। वो मुझसे जानना चाहते हैं कि क्या कभी मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटी है कि शो के बाद प्रोड्यूसर बिना पैसे दिए ही गायब हो गया हो। जरूर बताऊंगा कि मेरे साथ क्या दुर्घटना घटी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अनु कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। मैंने किसी एपिसोड में मुकेश महेंद्र कपूर, सी रामचंद्र और अमीन सयानी के एक प्रोग्राम के बाद ऑर्गेनाइजर के गायब हो जाने का किस्सा सुनाया था।
आज राजकोट के हमारे भाई ने पूछा कि आपके साथ इस तरह का कोई किस्सा हुआ है क्या? जनाब हुआ है, और इत्तेफाक से वो किस्सा गुजरात में ही हुआ है। 94 की बात है, एक प्रोड्यूसर मेरे पास आया, ताज़ा ताज़ा अंताक्षरी शुरू हुई थी। वो आया और कहने लगे कि मैं आपका शो, स्टेज शो करना चाहता हूँ, अंताक्षरी का करना चाहता हूँ, बड़ौदा में करना चाहता हूँ। मैंने कहा कर लो भाई। बड़ौदा का शो हिट हो गया और इस तरह से मेरा अंताक्षरी लाइव ऑन स्टेज के कार्यक्रम होने शुरू हो गए। कनाडा किया, अमेरिका किया, इंग्लैंड किया। सेम प्रोड्यूसर, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, सेम प्रोड्यूसर मेरे पास आया 97 में। कहने लगे दादा आपने बहुत कुछ किया है और अब मैं खुद करना चाहता हूँ, अभी स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन अब ये सारा का सारा फाइनेंस मैं ही लगा रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि भाई तेरे थ्रू बहुत सारे शोज आए हैं, तूने अपना कमीशन लिया है, लेकिन अभी एक चांस तुझे दे रहा हूँ, तू जितना कमाना चाहता है तू कमा ले, एक शो डेट दूंगा मैं, एक शो तेरे लिए फ्री करूंगा, मेरे सिर्फ म्यूजिशियंस को पेमेंट दे देना। और जो डेट दी गई थी उस डेट से 2 या 3 दिन पहले मैं मेरी पूरी यूनिट के साथ, जिसमें 6 म्यूजिशियंस थे, 2 सिंगर्स थे, और मैं वहां पहुंच गया अहमदाबाद में। अब ऑडिशन शुरू हुआ। ऑडिशन का टाइम होता था शाम को 6 बजे तक ही कर पाते थे, एक ऑडिटोरियम बुक किया गया था। 7 बजे के लाल जादूगर की परफॉर्मेंस वहां पे शुरू हो जाती थी। फर्स्ट डे ऑडिशन हुआ और सेकंड डे ऑडिशन के बाद जब मैंने उस प्रोड्यूसर को ढूंढना शुरू किया कि वो कहाँ है बुलाओ, तो उसका कोई अता पता नहीं था, वो गायब हो चुका था। और फाइनली जो ऑडिशन के लिए जिन्होंने पैसे दिए थे वो मुझसे जवाब तलब करने लगे। कहने लगे हमने तो 300-300 रुपये एक व्यक्ति ने ऑडिशन कर दिया था, और हजारों लोग थे ऑडिशन के लिए। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो उसने 7-8 जगह जहाँ पे टिकट रखे हुए थे वहाँ से पैसे इकट्ठा किए और 7-8 लाख रुपया लेके वो भाई गायब हो गया। और मुझे इतना मालूम है कि मैं जब जनता ने मुझसे सवाल पूछने शुरू किया, जनता मुझ पर आ गई पूरी की पूरी तरह, अनु जी आप चीट कर रहे हैं या इस तरह का कुछ कर रहे हैं। मैंने समझाने की कोशिश की, वो मान नहीं रहे थे। तो के लाल जादूगर के जो साथी थे उन्होंने मुझे बैक डोर से निकाला। मैं उस टाइम पर एक ऑटो रिक्शा में बैठकर होटल तक आया, और कमाल की बात है कि होटल के मालिक ने एक दिन पहले मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था, और जब मैंने उनको समस्या समझाई उन्होंने कहा जी हमारा होटल का बिल दे दीजिए। मैंने अपने पास से होटल का बिल दिया और वापस लौटने के बाद अपने हर म्यूजिशियन को अपने पास से पैसे भी दिए। तो फ्री शो करने गया था और 97 में, 18 साल पहले, मुझे अच्छी तरह से मालूम है 1,65,000 रुपये का बिल मुझे देना पड़ा था। ये भैया फ्री शो मुझे बड़ा महंगा पड़ गया। तो पटेल साहब ये भी घटना गुजरात की हुई थी। और उसके बाद 98 में दोबारा मैंने जब अहमदाबाद में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए शो किया सरदार पटेल स्टेडियम में, 45,000 लोग वहाँ थे और केशुभाई पटेल हुआ करते थे चीफ मिनिस्टर, और बेहतरीन शो। अभी भी डेट मुझे याद है, 14 नवंबर 1998 को अहमदाबाद सरदार पटेल स्टेडियम में। आज भी लोग कहते हैं कि क्या शो हुआ था। मेहरबान दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज्ञा चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अनु कपूर के साथ।